हेलो एवरीवन, आई एम रितु कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम आरपीआईटी कैंपस करनाल। टुडे इज आवर टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ डैम फाउंडेशन। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द साइट इन्वेस्टिगेशन फॉर ए डैम। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन जो अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। पुअर जियोलॉजिकल कंडीशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इम्प्रूविंग लोड बियरिंग प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोलिंग सीपेज। ठीक है, अगर मान लो जियोलॉजिकल कंडीशन, अगर फाउंडेशन डैम की जो फाउंडेशन है वो वीक है, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करके या फिर सीपेज को कंट्रोल करके। इफ़ द फाउंडेशन इज ऑन द हाईली ज्वाइंटेड रॉक, अगर ग्राउंडिंग इज यूजुअली डन टू सील द ज्वाइंट एंड द फ्रैक्चर। ये कहते हैं अगर आपने रॉक जो डैम है वो यूज किया हुआ है और दोनों के बीच गैप है, वहाँ पर जॉइंट है रॉक के बीच में, तो उसको ग्राउटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप क्रैक को फिल करते हो। ठीक है, तो ग्राउटिंग की मदद से जॉइंट को फिल किया जा सकता है, सील किया जा सकता है, देन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एज वेल एज सीलिंग अगेंस्ट सीपेज। इन सॉइल फाउंडेशन में सॉइल ट्रीटमेंट मेथड आर अप्लाइड टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, मेकिंग इट स्टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो सॉइल फाउंडेशन अगर है हमारे पास तो सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करके। नेक्स्ट है हमारे पास द डैम एरिया एंड द रिजर्वायर एरिया आर मेड इम्परमेबल टू वाटर टू ए सर्टेन लेवल बाय यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल और साइंथेटिक मटेरियल। ग्राउंड कर्टेन आर यूज टू सील ऑफ वाटर टू सम लेवल अराउंड द डैम एरिया। ठीक है, कुछ पॉइंट है जिनकी हेल्प से हम जो डैम साइट है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ टनल। टनल में क्या रहेगा, टनल इज ए नियरली हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड पैसेज विच इज ओपन एट बोथ एंड। टनल क्या है, एक हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड पैसेज है जो दोनों साइड से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। टनल आर ऑफ डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू देयर यूज, लाइक ट्रैफिक टनल, हाइड्रो पावर हेडरेस टनल एंड द पब्लिक यूटिलिटी टनल। तो टनल क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए इसको यूज कर रहे हो, ट्रैफिक टनल है या फिर हाइड्रो पावर है या फिर पब्लिक यूटिलिटी टनल है। ठीक है, टनल कैन बी ड्राइवन और होल थ्रू ए रॉक और अर्थ मास बाय मैथड यूज इन माइनिंग इंक्लूडिंग ब्लास्टिंग। टनल एक प्रकार से, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो टनल एक प्रकार से एक अंडरग्राउंड पैसेज है, एक गुफा है जो दोनों साइड से, जहाँ आपको जैसे हम ब्रिज बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये क्या करता है और मतलब कि रोड के ऊपर होता है, लेकिन अगर रोड के नीचे इस तरीके से बनाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, टनल। या फिर जैसे रॉक है, कोई चट्टान है, उसको काट कर कोई रास्ता बनाया जाए, दैट इज़ द टनल। तो इसने कहा कि टनल कैन बी ड्राइवन और होल थ्रू ए रॉक और अर्थ मास, मिट्टी के ढेर से भी आप टनल को बना सकते हो या फिर रॉक को काट के, कैसे यूज इन माइनिंग एंड इंक्लूडिंग ब्लास्ट से। ठीक है, ज़्यादातर रॉक में हम ब्लास्ट करते हैं। इन सॉफ्ट ग्राउंड टनल में भी एग्जीक्यूटेड बाय बोरिंग मशीन विद द वॉल बींग स्पॉटेड बाय लाइनर प्लेट। क्लियर, टनल समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे साइट सिलेक्शन हम टनल की कर सकते हैं। अभी आपने सिर्फ समझा कि टनल क्या है।